भी आनंद मोहन की रिहाई अभी तक नहीं हुई है, जो कि आजीवन कारावास की सजा काट चुके हैं, उसके लिए भी हम लोग निरंतर आवाज़ उठा रहे हैं बिहार सरकार के समक्ष। उनको रिहा करना होगा, बिहार सरकार को रिहा करना होगा, नहीं तो आने वाले वक्त में जो लोकसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, अगर चुनाव के पूर्व अगर आनंद मोहन की रिहाई नहीं होती है तो क्षत्रिय समाज एक सकारात्मक निर्णय ले लेंगे। अगर नहीं रिहाई करेंगे तो नहीं देंगे, नहीं रिहाई करेंगे नहीं देंगे, अगर रिहाई करेंगे तो हम लोग नीतीश कुमार का संजय सिंह का हाथ मजबूत करेंगे। आज जैसे अपने पैसे से हम लोग चल के मिलर स्कूल पहुंच रहे हैं गाड़ी घोड़ा से, और अत्यधिक संख्या में ताकत उनको देंगे, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई होनी चाहिए। लोक मेहता का बयान जो सुन रहे हैं, 10% आरक्षण स्वर्ण ये सब मिटाना होगा, अगर बिहार का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो आर्थिक आधार पर सोचना होगा। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आप सभी को पता ही है कि आज मिलर स्कूल के पास, यानी कि जदयू का जो कार्यालय है, वहीं पर एक हुजूम जुटाया जा रहा है। आज आप देख ही सकते हैं कि राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप के स्मृति समारोह का एक आयोजन वहां पे किया जा रहा है, और यह जो आयोजन है उसके जो मुख्य कहता है, देखिए संजय सिंह विधान पार्षद अध्यक्ष तैयारी समिति उपाध्यक्ष प्रदेश जदयू के हैं, और सभी को यह मिलर हाई स्कूल के पास बुला रहे हैं। मतलब जितने भी सवर्ण के जो लोग हैं उन्हें एकजुट करने की कवायद शुरू हो गई है। आप सभी समझ ही सकते हैं कि महाराणा प्रताप का स्मृति तो मना ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लेकिन मेन जो फोकस है वह सवर्णों को एकजुट करने की, यानी कि जो भी राजपूत है उन्हें एकजुट करने की कवायद, और राजनीति में ये बहुत ही अहम रखता है। दरअसल मैं एक सड़क पे खड़ी हूँ और यहाँ पे मैं हुजूम देख रही हूँ, लग रहा है बाराती जा रही है, और उसके वजह से मैं यहाँ पे रुकी आखिर जानने के लिए कि भाई किस तरह की। आप देख ही सकते हैं कि सर पे ये जो गुलाबी रंग का जो पगड़ी है वो पगड़ी पहन के यहाँ पे लोग हैं। पीछे मेरे आप देख सकते हैं बसें भरी हुई है, सारी बसें में स्कूल बसेस है लगी हुई, बहुत सारे गाड़ियाँ भी है वो भी भरी हुई है, और सब लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम जब उनसे सवाल किए कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम लोग मिलर हाई स्कूल के पास जा रहे हैं और महाराणा प्रताप जो है और स्मृति समारोह का हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। भाई आपका क्या नाम है? गुड्डू सिंह मेरा नाम है, और हम संपतचक प्रखंड के बड़गया के रहने वाले हैं, कोली गांव के। और हम लोग पहले भी वहां समारोह होता रहा है, जैसा कि आप लोग कहे कि यह सिर्फ स्वर्णों का एकजुटता किया जा रहा है, वैसी बात नहीं है। महाराणा प्रताप किसी जाति से बंधे हुए नहीं थे, वो देश के आज़ादी में मुगल शासक के खिलाफ उनका जो मुहिम रहा है वो यादगार रहा है, और इसीलिए हम लोग पहले से मांग करते रहे थे। तो प्रतिमा भी मुख्यमंत्री जी ने विगत 19 जनवरी को पटना में स्थापित किया है, लेकिन अभी जो समाज में चल रहा, हम लोग हर जात को लेकर चलते हैं, ऐसा नहीं है। अगर अवसर रहता तो आज का जो कार्यक्रम मिलर स्कूल में होने जा रहा है उसके मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होते, ललन सिंह नहीं होते। मुख्यमंत्री के तो बुलाने न बुलाना है, अशोक चौधरी भी हैं, वो तो मैंने समझे कि बैकवर्ड कम्युनिटी से, मतलब शेड्यूल कास्ट से आते हैं, हर जाति के लोग आ रहे हैं वहाँ पर, लेकिन राजपूत जाति की संख्या अधिक होगी। राजपूत जाति की संख्या अधिक, हाँ, कारण कि महाराणा प्रताप जो हैं, जैसे हर राजनीतिक दल के लोग, नेता लोग महापुरुष को भी जाति में बांध रहे हैं, लेकिन हम लोग बांधते नहीं हैं, लेकिन फक्र जरूर होता है कि उस स्कूल के उस वंश के हम लोग वंशज हैं। तो हम लोग छात्र धर्म का पालन करने का सोच रखते हैं, राजपूत कहलाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, छात्र धर्म क्षत्रिय का होना चाहिए, जो छाता का काम करे। हम लोग जो दलित अति पिछड़ा पिछड़ा समाज जो दूरी बनाकर रखता है उसको भी हम लोग साथ करने के लिए करने के लिए। मुझे बताइए संजय जी, आप लोगों को मतलब सबको एकजुट करने के लिए इस बार वो पूरे बिहार में घूमे हैं, पहले भी घूमते थे, और अगर जाति का बात रहता तो उनके साथ हार्दिक पटेल हैं, कई जाति के नेता हूँ। पहले इस तरह के मतलब आप लोग करने के लिए कभी नहीं सोचे? नहीं, कैसे सोचे हैं, 3 साल पहले हुआ है मिलर स्कूल में, उसके बाद बिहार सरकार है जो कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा बैठाई है फ्रेजर रोड में पटना में, और अभी आनंद मोहन की रिहाई अभी तक नहीं हुई है, जो कि आजीवन कारावास की सजा काट चुके हैं, उसके लिए भी हम लोग निरंतर आवाज उठा रहे हैं बिहार सरकार के समक्ष। अच्छा, तो ये आनंद मोहन के लिए आप लोग आवाज उठा रहे हैं, आनंद मोहन के लिए आवाज क्यों, मतलब वो तो सजा काट रहे हैं। हाँ, तो सजा काट लिए ना, सजा पूरा करके 1 साल अत्यधिक हो गया है,
जो कोर्ट आजीवन कारावास दिया, आजीवन कारावास उनका पूरा हो चुका है, इसके बावजूद अभी तक वो रिहा नहीं किए गए हैं। इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जो व्यक्ति लेखनी का कलम जिसका चलता हो, जिसने दर्जनों साहित्य सृजन किया है समाज के लिए, समाज को एक मैसेज देते हैं, अच्छा काम करते हैं, अगर गलत तरीके से वो फंस गए किसी केस में और सजा भी काट लिए, तो अब ऐसे व्यक्ति को जेल में रखने का क्या उचित है? क्यों उनके जेल में रखा जा रहा है? ये तो बिहार सरकार के समक्ष हम लोग रख रहे हैं कि उनको तुरंत रिहाई किया जाए भाई इज्जत। अब नहीं तो कोर्ट तो जितना सजा दिया सजा काट चुके, सजा नहीं करते तब ना। आनंद मोहन के यहाँ मैं भी गई थी तो उनके बेटे जो हैं वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी जानबूझ के उन्हें फंसा रहे हैं, जो सजा है उनका सजा हो गया है, लेकिन फिर भी उन्हें ये करने नहीं दे रहे, निकलने नहीं नहीं रहे। ना चलेगा ये सब, उनको रिहा करना होगा, बिहार सरकार को रिहा करना होगा, नहीं तो आने वाले वक्त में जो लोकसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, अगर चुनाव के पूर्व अगर आनंद मोहन की रिहाई नहीं होती है तो क्षत्रिय समाज एक सकारात्मक निर्णय ले लेंगे, जो हम लोगों के मान सम्मान की बात नहीं करेगा उसके साथ थोड़े हम लोग रहे। नीतीश कुमार के साथ आप लोग नहीं दीजिएगा? नहीं, साथ के बात नहीं है, अगर नहीं रिहाई करेंगे तो नहीं देंगे, नहीं रिहाई करेंगे नहीं देंगे, अगर रिहाई करेंगे तो हम लोग नीतीश कुमार का संजय सिंह का हाथ मजबूत करेंगे। आज जैसे अपने पैसे से हम लोग चल के मिलर स्कूल पहुँच रहे हैं गाड़ी घोड़ा से, और अत्यधिक संख्या में ताकत उनको देंगे, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई होनी चाहिए, पूरे समाज की ये मांग है, 3 वर्ष पूर्व भी ये मांग की जा चुकी है, आधा मांग उन्होंने पूरा कर दिया है महाराणा प्रताप की प्रतिमा बैठाकर, एक मांग है जो उनसे आग्रह है आज की ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम लोग स्वाभिमान दिवस के रूप में मना रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग आग्रह करते हैं। आग्रह क्या है? आनंद मोहन की रिहाई किया जाए, और जात पात और धर्म के नाम पर समाज में जो नफरत का बीज कोई भी फैलाना चाहता है उसको रोका जाए। आप सभी लोग राजपूत ही हैं? जी जी जी, सभी लोग राजपूत हैं। मैं तो बोली ही थी कि राजपूत को यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। हम लोग सब राजपूत हैं जी। आप लोग भी आनंद मोहन की रिहाई के लिए? रिहाई के लिए, आनंद मोहन को रिहाई के लिए, आनंद मोहन की रिहाई के लिए, आनंद मोहन का रिहाई के लिए। RJD और इमें क्या बोलता है जदयू में, जो अभी सब जो सोन के खिलाफ में लोग एक दो नेता लोग बोल रहे हैं उसके भी इसीलिए जा रहे हैं कि संजय सिंह समझे ही बात, अपना पार्टी को समझावे। हाँ, इसके लिए भी कौन क्या बोल रहा है? अरे आप लोग से छिपा हुआ है आपके चैनल से लोक मेहता का बयान जो सुन रहे हैं, 10% आरक्षण स्वर्ण ये सब मिटाना होगा, अगर बिहार का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो आर्थिक आधार पर सोचना होगा, गरीबी अमीर। बोस का भी आज जन्मदिन है? हाँ, सुभाष चंद्र बोस तो हमारे देश के एक बहुत बड़े नेताजी, एकदम मना रहे हैं, नहीं क्यों मनाएंगे, महाराणा प्रताप नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो सिर्फ उनका लगा हुआ है महाराणा प्रताप, ये गाड़ी में न लगा हुआ है, ऐसा तो हम लोग मनाते हैं, दिल में रखते हैं ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के लिए आदर्श है, दिल में रखते हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना, यह जो हुजूम है, यह बाराती की तरह जो है वह जदयू कार्यालय के पास वहां पर एकत्रित हो रही है, और आपने सुना ही गुड्डू जी ने क्या कुछ संदेश भी दिया है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री को साथ ही साथ चेता भी दिए हैं, और जो संजय सिंह इन लोगों को बुला रहे हैं उन्हें भी चेतावनी दे दिए हैं कि अगर आनंद मोहन की रिहाई नहीं होती है तो हम लोग इतने जो राजपूत समाज के जो लोग हैं आप सभी का बहिष्कार करेंगे, और जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उस समय हम सभी आपका बहिष्कार करेंगे। कितने लोगों का हुजूम वहां जा रहा है? लाखों व्यक्ति जा रहे हैं, कैपेसिटी है 20,000, लेकिन पूरा पटना चप्पा चप्पा जाम रहेगा, और सिर्फ राजपूत ही नहीं अन्य जाति भी, चूंकि राजपूत का गांव जहां भी है हर जाति का घर उस गांव में है, सब समझ रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे आप लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।